अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सरोज फातिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ फनकारी पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, खैर खैरियत से गुजर रहा होगा। और इस मुबारक महीने में आई एम श्योर एक अलग तरह का स्पिरिट होता है, एक अलग तरह का जज्बा होता है कुछ भी करने का, स्पेशली इफ़ यू डूइंग समथिंग गुड, तो देर इज़ अ स्पेशल विगर दैट यू एक्सपीरियंस। आपका जज्बा जो है बहुत हाई होता है। तो इसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी पॉडकास्ट का, इट रिलेट्स टू सोशल वेलफेयर, यानी हम अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेक अ चेंज, उसको बेहतर बनाने के लिए। एंड फॉर दैट वी हैव आवर प्रेस्टीजियस गेस्ट मिस सहर सलीम, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यर्दम। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? तो आज आई वॉन्ट आवर ऑडियंस टू नो दैट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वॉट इज़ इट कॉल्ड? यर्दम। सो क्या जहन में था जब इसको स्टार्ट किया, एंड वट वॉज द इंस्पिरेशन, और हाउ डिड इट यू नो केम इन टू बींग? ओके, सो बेसिकली ये सीन है एनजीओ का कि आई हैव बीन डूइंग सोशल वेलफेयर सिंस आई वाज इन ग्रेड 8, तो तब से लेके अब तक मैं कंसिस्टेंटली सोशल वेलफेयर चलता रहता है विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग। सो रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ दिस एनजीओ, उसके साथ मैं काम करी थी इन अनदर एनजीओ कॉल्ड बुनियाद। तो फिर ओवर द टाइम वी बेसिकली रियलाइज के अब इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो खुद हैंडल कर सकते हैं, एंड वी आर केपेबल कि हम खुद काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वी सैट डाउन वन डे, बस एक साथ बैठे हुए थे, एंड देन वी वुड लाइक के अगर कर सकते हैं स्टार्ट तो व्हाई नॉट, देन वी लिस्टेड डाउन थिंग्स के अच्छा ये चीज़ हम कवर कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। That's very great, and I'm really happy to see के हमारी generation is very eager to take such initiatives. तो what major aspect of social welfare does your organization cover? Like सबसे ज़्यादा focus किस चीज़ पर आप लोगों का? सबसे ज़्यादा focus specifically तो किसी चीज़ पर नहीं है। Like for example अभी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में obviously बात है आपकी राशन drives होती हैं, आपकी इफ्तार drives होती हैं, सहरी drives होती हैं, जो mostly NGOs कर रही होती हैं। तो हम जितना capable थे उसके अकॉर्डिंगली हम इफ्तार drives करें हर रोज़, like for 30 days of रमज़ान। उसके अलावा डिपेंड करता है ऑन एवरी ओकेजन एंड एवरी इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ईद आती है तो हमने ये प्लान्स किए हुए हैं कि ईद पे हम डिफरेंट ऑर्फनेजेस का चक्कर लगा लेंगे, टू यू नो हैव फन विद द किड्स वगैरह, या फिर आप किसी ओल्ड होम का चक्कर लगा देते हो बच्चों को, बड़ों को भी आप उनके साथ भी टाइम गुजार सकते हो। तो आई गेस वो डिपेंड करता है सारे इवेंट्स पे, तो हम एक किसी चीज़ को टारगेट नहीं करें, बट ओवरऑल जितना भी हमसे हो पा रहा है हम वो आइडियाज़ अपने इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जो आपकी इफ्तार ड्राइव है वो कहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? स्टार ड्राइव होती है हमारी फेसिक्स में है, यूनिवर्सिटी एलएसी के पास ही, बिल्कुल ताज़ा है, उधर ही बाहर उसकी पार्किंग के अंदर। वी केटर अराउंड 350 to 400 पीपल नाउडेज, तो उनका हम स्टार करते हैं एवरी डे। दैट्स अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। एंड हाउ इफेक्टिव हैज़ इट बीन टू यू नो गैदर वॉलंटियर्स और टू मेक यू नो अर्ज पीपल टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, ये तो चीज़ ये है कि सबसे पहले जब हम शुरू करने लगे थे मतलब हमारे दिमाग में तो था, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक और एनजीओ के साथ जो है ना इफ्तार ड्राइव्स की थी, जिस टाइम हमारी अपनी एनजीओ थी, तो वी वरंट श्योर, बट हमने कहा कि हमने करनी है। लेकिन वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो बजट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कोई पैसा नहीं था, कोई डोनेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ वॉज अ थिंग कि हमने अपने पेज पे लगाया, हमने एनएससी के ग्रुप्स के अंदर, अपने बैच ग्रुप्स के अंदर, जितने भी सेक्शन ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर वर्ड ऑफ माउथ फैलाया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगना शुरू हुआ, एंड देन देयर वर मेनी पीपल जो कि इवन शुरू में तो नहीं, बट आफ्टर सीइंग आवर यू नो रील्स वगैरह के थ्रू और हमारे पोस्ट वगैरह के थ्रू देखे कि एक्चुअली में काम हो रहा है, तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं दे से कि हाँ हमने भी वॉलंटियर करना है, वो वाला काम। तो बात यह कि मोस्टली तो एलएससी के बच्चे बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज द थिंग, तो उसके थ्रू वो इजीली वॉलंटियर करने आ जाते हैं। एंड आई गेस अब तो काफ़ी बेहतर हो चुकी है हमारी ड्राइव, बिकॉज शुरू में लोगों को नहीं पता था, तो देयर वर लाइक बहुत कम लोग थे वहाँ पे, और अब तो खैर माशाल्लाह से 400 के करीब लोग हो जाते हैं, वॉलंटियर्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा, लाइक 50 अराउंड वॉलंटियर्स हैं, तो ईजिली सारा कैटर हो जाता है। तो शुरू में ऑब्वियसली वन एवर यू स्टार्ट समथिंग, बिल्कुल जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, यू टेक एन इनिशिएटिव, तो शुरू में देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू हैव टू फेस। तो क्या चैलेंजेस थे, क्या मुश्किलात थी व्हेन यू स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन?
दिस ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस ये थे कि मोस्टली होता ये है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक जो करना चाह रहे हैं ना उसमें, बिकॉज मैं और मेरी जो दोस्त हम दोनों लाइक वे फीमेल्स राइट, तो आप इवन इफ्तार ड्राइव्स पे जब वो एक क्राउड होता है सर्टेन, तो आप वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स को नहीं भेज सकते हो काम करने के लिए, बिकॉज दे हैज़ टू बी लाइक लड़के और होने चाहिए वहाँ पर. तो हमारे ये बहुत बड़ा बीच में प्रॉब्लम आई थी इवन इफ्तार ड्राइव से, बिकॉज हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी वॉलंटियर्स और लड़के कम. अच्छा, लड़कों का रुझान कम रहा शुरू में, और अब क्या सिनेरियो इन कंपैरिजन टू द स्टार्टिंग टाइम्स? मुझे तो ये लगता है कि जहाँ पर लड़कियाँ होती हैं लड़कियाँ ज़्यादा ही काम करती हैं कंपेरेटिवली लड़कों से, लेकिन उनको पुश करना पड़ता है, बिकॉज आप इस तरह के क्राउड के अंदर लाइक जाते हैं हम लोग, हम भी काम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लड़कों का बनता है ज़्यादा काम करना वहाँ पर, तो वो एक चैलेंज है, लेकिन वो कवर हो ही जाता है. एंड देन आई गेस चैलेंजेस एक तरह से हमने सच फेस नहीं किया, इवन दिस रमज़ान जब हम करने लगे थे बड़ा चैलेंज तो यही था कि बजट ही नहीं है तो उफ्तारी करानी कैसे, लेकिन वो बस अल्लाह की तरफ से जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो फिर अल्टीमेटली आपके पास वो चीज़ आ जाती है. तो आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन आई डोंट नो वे बस हमारे पास इतनी ज़्यादा डोनेशन आ रही है कि वी कैन ईजिली कवर 30 days आराम से कर सकते हैं. हिम्मतें मर्दा मदद खुदा. जब आपकी नीयत हो किसी अच्छे काम की तो अल्लाह ताला वसीला बना ही देता है. तो जो मोस्ट ऑफ योर डोनेशंस वेयर डू दे कम फ्रॉम? लाइक स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर्स हैं वो खुद दे अर्ज अदर पीपल इन देयर सर्कल टू डोनेट, या उसके लिए यू हैव समथिंग इन माइंड के थ्रू लाइक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मार्केटिंग और एनी अदर मेथड जिससे आप डोनेशंस कलेक्ट करते हैं? ओके, सो शुरू में तो ये था कि हमें हमारा फोकस मोस्टली था कि हम इंस्टेड ऑफ कि हम यूथ को टारगेट करें, बिकॉज हमारी कितनी अलाउंस होती है महीने की, कितनी मिल जाती होगी बच्चे को, तो उसमें से कितने ही लोग दे देते हैं. तो फिर हमने टारगेट किया था कि किसी लोगों के पेरेंट्स जो हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो देना पसंद करेंगे, जो बड़े लोग हैं वो देते हैं मोस्टली डोनेशन वगैरह. तो हमने उन लोगों को टारगेट किया अपनी फैमिलीज के अंदर और अपने घर वालों में, जितने भी हमारे कोर टीम मेम्बर्स थे सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर वालों में बताया, वहाँ से हमें काफ़ी डोनेशन आई. उसके बाद ओवर द टाइम हुआ ये कि हम जब इवन बैच ग्रुप में अपनी जब भेजते थे क्या कहते हैं पोस्ट वगैरह रील्स वगैरह, तो हमें कोई ना कोई 5,000 भेज रहा है बच्चा, कोई 10,000 भेज रहा है, कुछ ना कुछ हर कोई बच्चा, इवन अभी तक LSC का कोई ना कोई बच्चा हर टाइम कोई ना कोई डोनेशन दे रहा होता है, जैसे वो वर्ड ऑफ माउथ है. एंड देन अगेन कुछ तो ऐसे भी लोग थे वॉलंटियर्स ही जो कि हमारी ड्राइव पर आए एंड दे सॉ के लाइक कितना परफेक्ट तरीके से मैनेज भी हो रहा है, कितना परफेक्ट तरीके से सब कुछ जा रहा है. देन इवेंचुअली ऐसे भी डोनर्स हैं जो कि पूरी पूरी ड्राइव्स जो हमारी है ना वो स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हमने ही आपकी ड्राइव्स करानी है. तो आई गेस वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही हुआ है, लेकिन हो गया. तो अब फ्यूचर में सिंस अभी तक जितना भी आप लोगों ने जो भी प्लान किया इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, कामयाबी से हो रहा है माशाल्लाह, आप लोग इतना अचीव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू द डिजर्विंग पीपल, तो Do you plan to make it big, like national level per Pakistan? अभी तो फिलहाल it's limited to Lahore right yes. now. So what are the future plans? अभी तो बिल्कुल ही मतलब हमने शुरू की थी in August, right? तो उसका ये था कि अभी तो बिल्कुल ही हमारा स्टार्ट है और हमारा मेजर प्रोजेक्ट ही है लाइक रमजान ड्राइव्स. बट ऑब्वियसली बात है ओवर द टाइम वी वॉन्ट के एक बिगर स्केल पर काम. इन द एंड जो आपका मोटिव होता है वो यही है कि आपने एक अच्छा काम करना, ठीक है. इवन चीज़ों जब आप बिगर स्केल पे ले जाते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज आपको ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, ज़्यादा मेंबर्स होंगे, आपको अपनी NGO रजिस्टर करानी है एंड सो ऑन, उसमें काफ़ी मसले आ जाते हैं. मगर आई गेस बिगर स्केल पे तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम जाएंगे. वो ये है कि मेन मोटिव जो होता है वो यही होना चाहिए कि इन द एंड यू जस्ट हेल्पिंग पीपल, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज आप कौन सा अपना कोई प्रॉफिट कमा रहे हो. तो इवन इफ प्रोडक्ट स्केल पे जाए जो कि हम रमज़ान में भी करेंगे इंशाल्लाह, हमारी इफ्तारी होगी बादशाही मस्जिद में भी, आई गेस वी आर गोना गेट 1,000 पीपल एंड उसके अकॉर्डिंग देखे थे बिगर स्केल करते जाएंगे, लेकिन या दैट्स द मेन मोटिव. सो जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है तो ये भी एक चैलेंज होता है टू यू नो कोऑर्डिनेट विद एवरीवन एंड यू नो लाइक उस सबको एक तरीके से एक साथ लेके चलना और मैनेज करना. तो हाउ डिड यू टीम जो बड़ी होती है तो उसके मसले होते हैं, ये रिसेंटली हमने भी देखे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन वो इतना मसला नहीं होता बिकॉज इन द एंड मैं सबको यही समझा रही होती हूँ कि हमारा मेन मोटिव क्या है, लोगों को हेल्प करना है ना. एग्जैक्टली वी आर नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, लाइक हम मैं खुद भी नहीं चाहती कि हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिखाया जाए कि शहर काम कर रही है शहर काम नहीं, बस इजी आप अपने एंड पे काम कर रहे हो, बस अल्लाह को पता है आपको पता है और किसको पता होना चाहिए. इन द एंड जब सबकी नीयत ही यही है तो आई थिंक वी ऑल कम टू द सेम पेज. यस, ऊपर से हमारा मोस्टली ये है कि इट्स
इट्स लाइक फाइनल डिसीजन तो मेरा और मेरी जो दोस्त हैं हम दोनों फाउंडर्स हैं हमारा होता है, बट देन वी मेक श्योर कि एक कंसेंसस हो सबका, लाइक पूरी टीम मेंबर जो है ना एग्री करेगी तो ही वो डिसीजन होगा, अदरवाइज जो टीम मेंबर्स कह रहे हैं हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। आज तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारी जनरेशन कितनी आगे है इन चीज़ों में एंड दे आर मेकिंग श्योर के दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन इंक्लूडिंग सहर जो कि कदम बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी इनक्रेज कर रहे हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई होप आप सबका रमज़ान खैर खैरियत से गुजरेगा। टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।